हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एज यू नो देयर आर सम चेंजेस दैट आर मेड बाय द सी इन योर सिलेबस एज वेल एज इन द एग्ज़ाम पैटर्न टू सो हियर इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द चेंजेस दैट आर मेड इन द सब्जेक्ट इंग्लिश रिगार्डिंग द डिडक्शन ऑफ द सिलेबस एज वेल एज फॉर द एग्जाम पैटर्न सो लेट्स स्टार्ट जैसा कि आप जानते हैं आपका पेपर डिवाइडेड होता है थ्री पार्ट्स में सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी तो सेक्शन ए जो होता है वो आपका रीडिंग स्किल से होता है सेक्शन बी जो होता है वो आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर से ही होता है और सेक्शन सी में आपके लिटरेचर जो टेक्स्ट हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस टाइम जो चेंज हुआ है उसमें आपका जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट ए जो है उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट बी जो है उसमें आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो चलिए देखते हैं आपके सिलेबस में और आपके एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं तो आपका पार्ट ए जो कि रीडिंग का है उसमें आपसे लिटरेचर और अनसीन पैसेज दोनों पूछे जाएंगे तो अनसीन पैसेज जो है पहले पूछा जाएगा जो कि ट्वेंटी मार्क्स का होगा जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दैट विल बी बेस्ड ऑन डिस्करसिव पैसेज डिस्कर्सिव क्या होता है आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो आपको रीड करना होगा एंड यू हैव टू थिंक आफ्टर रीडिंग दैट यू हैव टू एनालाइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस यू हैव टू राइट द आंसर सो आपसे हाउ मेनी क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेन क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं ट्वेल्व क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको हर आंसर पे वन मार्क्स मिलेगा इसी तरह आपसे सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो भी एम सी क्यू बेस्ड होगा पर यहाँ पे जो अनजीन पैसेज है आपका वो केस बेस्ड होगा और फैक्चुअल पैसेज होगा तो आपका जो पहला है उसमें आपको कोई फैक्ट्स नहीं मिलेंगे लेकिन आपके सेकेंड में सेकेंड एंड पैसेज में आपको फैक्ट्स मिलेंगे एंड द पैसेज विल बी विथ विजुअल इनपुट्स इज स्टैटिस्टिकल डेटा चार्ट और ये पैसेज जो है वो 200 हंड्रेड टू टू वर्ड्स का होगा और इसमें भी आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उनमें से कोई 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट और आपको हर आंसर पे वन मार्क्स मिलेगा सो टोटल आपका जो रीडिंग सेक्शन है वो कितने मार्क्स का हो जाएगा ट्वेंटी मार्क्स का क्योंकि इसमें टू अनसीन पैसेज आपसे टेन टेन मार्क्स के पूछे जाएंगे अब देखते हैं आपसे लिटरेचर के जो टेक्स्ट हैं उनसे कैसे सीन पैसेज पूछे जाएंगे जैसा कि आप जानते हैं आपका जो प्रीवियस एग्जाम पैटर्न है उसमें आपसे पोइट्री और प्रोज दोनों का एक ऑप्शनल होता है एक्सट्रैक्ट और आपको कोई एक अटैम्प्ट करना होता है और उसमें से आपको फोर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं लेकिन इस बार का जो पैटर्न है उसमें आपसे पोएट्री और प्रोज दोनों से पूछे जाएंगे देखते हैं कैसे पूछा जाएगा सो आपसे लिटरेचर से एम सी क्यू बेस्ड पूछा जाएगा एक एक्स्ट्रैक्ट जो कि ड्रामा या प्रोज से पूछा जाएगा आपको टू एक्स्ट्रैक्ट मिलेंगे जिसमें से आपको कोई एक करना होगा और आपको फाइव क्वेश्चन मिलेंगे हर क्वेश्चन पे आपको वन मार्क्स मिलेगा इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एम सी क्यू बेस्ड होगा आपके सीन पैसेज से लेकिन ये होगा पोएट्री से आपको टू एक्सट्रैक्ट मिलेंगे पोएट्री से आपको कोई वन अटेम्प्ट करना है हर आंसर पे आपको वन मार्क्स मिलेगा तो सो टोटल मार्क्स जो आपका लिटरेरी टेक्स्ट बुक से जो मिलेगा आपको सीन पैसेज पे वो आपका हो जाएगा टेन मार्क्स तो कुछ चैप्टर्स आपके रिमूव किए गए हैं पोएट्री से प्रोज से तो उन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे उन्हें आप डिस्कस करेंगे भी कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं आप देखते हैं ग्रामर में तो ग्रामर से भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्वेल्व पूछे जाएंगे और उसमें से आपको कोई टेन अटेम्प्ट करने हैं तो देखते हैं कौन से टॉपिक हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो so, पहला टॉपिक है टेंस सेकेंड टॉपिक है मॉडल्स थर्ड टॉपिक है सब्जेक्ट वर्थ कॉन्कर्ड फोर्थ टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में थ्री टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच पूछे जाएंगे कमांड एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन और फिफ्थ टॉपिक जो है वो आपका डिटर्मिनर्स है तो ये फाइव टॉपिक्स हैं जिनसे आपसे ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ टॉपिक्स हैं जो रिमूव कर दिए हैं देखते हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं तो देखिए पैसिव पैसीवाइज आपका रिमूव कर दिया गया है क्लॉजेस जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है इसको भी रिमूव कर दिया गया है और प्रीपोजिशन ये भी रिमूव कर दिया गया है तो ये टॉपिक्स जो हैं इनसे क्वेश्चन अब नहीं बनेंगे अब देखते हैं पार्ट बी पार्ट बी जैसा कि मैंने आपको बताया आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे तो राइटिंग और लिटरेचर के जो क्वेश्चन है वो इसमें इंक्लूडेड होंगे राइटिंग जो है वो आपका टेन मार्क्स का होगा पहले जो है एट मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे हर हर आंसर पे आपको एट मार्क्स मिलता था लेकिन अब थोड़े चेंजेस हैं आपसे टू क्वेश्चन पूछे जाएंगे राइटिंग सेक्शन में पहला है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इसकी वर्ड लिमिट क्या है हंड्रेड टू वन ट्वेंटी एंड यू हैव टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन और ए डायरी एंट्री तो आपको किसी पर्सन की इमेज दी जा सकती है जैसा कि यहाँ पे लिखा विजुअल और वर्बल क्यूज किसी पर्सन की इमेज दी दी जा सकती है और आपसे पूछा जाएगा कि एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर उनकी इमेज है और आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने को इसी तरह आपसे डायरी एंट्री भी लिखने को दी जा सकती है कोई एक आपको इंसिडेंट दिया जाए या आपको सिचुएशनल एक दिया जाए कि सिचुएशन दी जाए कि आपको इस पर डायरी एंट्री लिखनी है तो आप उस पर आपको उस पर डायरी एंट्री लिखनी होगी तो आपसे कोई टू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको एक उसमें अटैम्प्ट करना है आपको इस क्वेश्चन के लिए इस आंसर के लिए फाइव मार्क्स मिलेगा अब देखते हैं सेकेंड तो सेकेंड आपका क्या है स्टोरी राइटिंग जिसकी वर्ड लिमिट होगी हंड्रेड टू वन ट्वेंटी और आपको कुछ क्वेज भी दिए जाएंगे कुछ हिंट्स दिए जाएंगे टू क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको कोई एक अटेम्प्ट करना और आपको इसके लिए भी फाइव मार्क्स मिलेंगे तो ये था आपका राइटिंग का टॉपिक क्या क्या, क्या पूछा जाएगा आप देखते हैं कौन से टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं सो so, देखिए आप पे लेटर ऑन ए सिचुएशन जो है वो डिलीट हो चुका है क्योंकि पहले आपसे सिचुएशनल लेटर पूछा जाता था कोई भी सिचुएशन दी जाएगी और उस पर आपसे लेटर पूछा जाएगा ये आपका प्रीवियस एग्जाम पैटर्न था लेकिन तो अब उसे हटा दिया गया है तो इसी तरह जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है वो फोर टॉपिक्स पे पूछा जाता था पर्सन डायरी एंट्री प्लेस और इवेंट लेकिन अब प्लेस और इवेंट के बेसिस पे आपसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ नहीं पूछा जाएगा पर्सन और डायरी एंट्री बेसिस पे आपसे पूछा जाएगा तो ये था आपका राइटिंग का अब देखते हैं आपके लिटरेचर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है लिटरेचर से सीन पैसेज टू पैसेज पूछे जाएंगे लेकिन अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिटरेचर से आपसे थर्टी मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे मीन्स लिटरेचर की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है सो so पहला जो क्वेश्चन है वो फोर आउट ऑफ सिक्स आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड्स लिमिट है और आपसे थ्री क्वेश्चन बिहार के पूछे जाएंगे और थ्री आपसे मूवमेंट्स के पूछे जाएंगे हर आंसर पे आपको टू मार्क्स मिलेगा मीन्स आपको टोटल एट मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे इसी तरह जो नेक्स्ट है वो फोर फोर आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ सिक्स अगेन बट यहाँ पे वर्ड लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड लिमिट चेंज है फिफ फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड्स यहाँ पे वर्ड लिमिट और यहाँ पे ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड्स वर्ड लिमिट थी मीन्स आप इसे कह सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये शॉर्ट आंसर ऐसे आपको लिखना है इसमें भी आपसे थ्री क्वेश्चन बी से होंगे और थ्री आपसे मूवमेंट से होंगे पर यहां पे आपका जो मार्किंग है वो चेंज है यहां पे आपको हर आंसर के लिए थ्री मार्क्स मिलेगा टोटल आपको ट्वेल्व मार्क्स मिल रहे हैं अब देखते हैं आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे अब देखते हैं आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे तो यहाँ भी देखिए जैसे कि आपसे हमेशा टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं बी से और मोवमेंट से लेकिन मार्किंग चेंज है तो यहाँ पे आपको टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको कोई वन अटेम्प्ट करना है बीहाइव से और यहाँ पे वर्ल्ड लिमिट देखिए क्या है हंड्रेड टू वन ट्वेंटी सो द क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन ए सिचुएशन और इट कैन बी बेस्ड ऑन द प्लॉट राइटिंग आपसे पूछा जा सकता है किसी प्लॉट बेस्ड पर पूछा जा सकता है एक पैसेज दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका क्या रीज़न है जो भी सिचुएशन है जो भी इंसिडेंट है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आपको आंसर पे फाइव मार्क्स मिलेंगे इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर भी टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मूवमेंट से और आपको वन अटेम्प्ट करना है इट कैन बी कैरेक्टर स्केच एंड आपको यहाँ पे वर्ल्ड लिमिट क्या दी गई है 100 टू 120 ट्वेंटी यहाँ भी आपको फाइव मार्क्स मिल रहा है तो हमने देखा कि टोटल लिटरेचर से जो आपको मिलेगा मार्किंग वो क्या है फोर्टी मार्क्स अब देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपके टेक्स्ट से डिलीट किए गए हैं तो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स के लिस्ट है वो देखते हैं जैसे कि आपकी बुक बीहाइव है बीहाइव से कुछ चैप्टर जो डिलीट किए गए हैं वो देखते हैं तो ली लेगा विनिस्ट्री एक पोएम है वो डिलीट कर दी गई है स्नैक एंड द मिरर चैप्टर डिलीट कर दिया गया है डक एंड द कैंगू पोएम भी डिलीट कर दी गई है काठमांडू चैप्टर डिलीट हो गया है एंड अस्लंबर डिड माई स्प्रिट सिल ये चैप्टर भी हट गया है अब मोवमेंट्स की बात करते हैं तो मोमेंट्स के टू चैप्टर्स हट गए हैं वो है ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट यहाँ पे ये जो चैप्टर्स हैं ये पूरी तरह रिमूव हो चुके हैं इस सेशन के लिए और ग्रामर और राइटिंग के भी मैंने टॉपिक्स बताए जो हट चुके हैं तो अब देखते हैं आपकी मार्किंग स्कीम क्या है इस सेशन के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं तो देखिए आपकी मार्किंग स्कीम और इसकी वेटेज देखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी रीडिंग कंफर्मेशन से ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टेन मार्क्स के टू अनसीन पैसेज आपसे पूछे जाएंगे और इसकी वेटेज क्या है ट्वेंटी फाइव परसेंट इसी तरह अगर राइटिंग स्किल एंड ग्रामर की बात की जाए तो वहाँ पे भी टेन मार्क्स के राइटिंग से पूछे जा रहे हैं और टेन मार्क्स के ग्रामर से पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो यहाँ भी आपसे ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसकी वेटेज इस भी ट्वेंटी फाइव परसेंट है लेकिन अगर लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पर टेन मार्क्स का आपसे सीन पैसेज पे एम सी क्यू बेज क्वेश्चन पूछा गया था और आपसे थर्टी मार्क्स का लिटरेचर का क्वेश्चन पूछा गया था तो यहाँ पर इसकी मार्किंग स्कीम क्या है फोर्टी और इसकी वेटेज क्या है फिफ्टी परसेंट तो टोटल आपका एटी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा लेकिन कई सारे इसमें चेंजेस हैं सो आई होप कि आपको इस सेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं कौन कौन से चैप्टर्स रिमूव हो गए और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है क्या मार्किंग स्कीम है वो आपको समझ आ गई होगी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए जो भी नए व्यूवर हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जो भी आपके कमेंट्स हैं उन्हें ज़रूर बताएं Thank you.